नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबके शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं वह जानकारी जो आपके लिए जानना है बहुत 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 ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि एक सवाल जो बार बार आप मुझसे कर रहे थे कि EWS और DG कैटेगरी के फॉर्म क्या एक बार फिर से 2020-21 के शैक्षिक सत्र में निकलेंगे, तो इसका जवाब मैं आज आपको देने जा रही हूँ। जी हाँ, DOE ने लिया है फैसला और फिर से देने जा रहा है मौका उन सभी विद्यार्थियों को जो कक्षा नर्सरी, KG और पहली में दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में RTE के तहत दाखिला लेना चाहते हैं, क्योंकि कुछ सीट जो कि है 838 सीट खाली है और उसके लिए DOE ने फिर से मांगे हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जी हाँ, एक बार फिर से आप भर सकते हैं EWS DG कैटेगरी के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। इसके लिए DOE ने जारी करा है सर्कुलर, मैं आपको पूरी जानकारी आज की वीडियो के माध्यम से देने जा रही हूं, इसीलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। देखिए, मेरे सामने है यह ऑनलाइन फॉर्म जिसमें साफ साफ शब्दों में कहा गया है EWS DG कैटेगरी के लिए फ्रेश एप्लीकेशंस मांगी गई है, ताकि जो खाली सीट्स हैं, खाली रिक्तियां हैं एंट्री लेवल पे, एंट्री लेवल हमेशा नर्सरी, KG और पहली क्लास होता है, नर्सरी, KG और पहली क्लास का जो शैक्षिक सत्र है 2020-21 में भरी जा सके। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने अभी तक 2 ड्रॉ का रिजल्ट निकाला है, जो कि पहला ड्रॉ था और 5वां ड्रॉ था, जिसमें उन्होंने EWS और DG कैटेगरी के बच्चों को दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में दाखिला देने के लिए 2 ड्रॉ निकाले हैं। और उन्होंने कहा, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ स्कूल्स में अभी भी सीट्स खाली हैं, जो कि तकरीबन है 838। इसीलिए DOE ने एक बार फिर से फैसला लिया है कि वो एक बार फिर से फ्रेश ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि फिर से ऑनलाइन एप्लीकेशन मंगवाएंगे EWS और DG कैटेगरी के विद्यार्थियों का उन सीट्स के लिए जो खाली है। कितनी सीट्स खाली है मैंने आपको बताया है, 838। इसके लिए आपको फिर से DOE की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म को भरना होगा। फॉर्म भरना किस वेबसाइट से आपको पता है, फॉर्म कैसे भरना ये भी आपको पता है, मैं फिर से बता देती हूँ, www.edudel.nic.in पर जाकर आपको फॉर्म भरना है। अब तारीखें क्या है, फॉर्म भरने की तारीख यानी जिस तारीख से फॉर्म भरना शुरू हो रहा है वह है 24 नवंबर 2020, जो कि है मंगलवार, और जो फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है वो है 30 नवंबर 2020, जो कि है सोमवार। लेकिन याद रखिएगा, 30 नवंबर 2020 शाम 6 बजे तक आप सबमिट का बटन दबा चुके हो, सबमिट का बटन प्रेस कर चुके हो। अगर आप 30 नवंबर 2020 शाम 5 बजे फॉर्म भरना शुरू करेंगे और आपका फॉर्म भरते भरते 6 बज गए, तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं आप सभी से आग्रह करूंगी कि 24 तारीख को फॉर्म निकल रहे हैं, यानी कि आज फॉर्म निकल रहे हैं, तो आप 25, 26, 27 में फॉर्म भर लीजिए। 27, 28, 29, मतलब 28, 29 का आप इंतजार मत करिए। कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा लोग फॉर्म भरते हैं तो साइट को ओपन करने में प्रॉब्लम आती है, ट्रैफिक ज़्यादा होता है, तो ऐसी परेशानियाँ हो सकती हैं। इसलिए दूसरे दिन ही, यानी कि हो सके तो आज फॉर्म भर लीजिए या फिर कल फॉर्म भर लीजिएगा। जल्दीबाजी में फॉर्म मत भरिएगा, जल्दीबाजी में फॉर्म भरते हैं बहुत गलतियाँ करते हैं, फिर सवाल में पूछते हैं कि हमने गलत कर दिया, अब आप बताओ क्या करो। तो गलत फॉर्म करना उसके बाद फिर से फॉर्म भरने की बजाय एक ही बार समय लेकर फॉर्म भरिए, आराम से फॉर्म भरिए, बच्चे के स्पेलिंग, अपने नाम के स्पेलिंग, सब चीज़ों के स्पेलिंग सही भरिए, कागजात की जानकारी जो मांगी गई है वह सही सही भरिए, कोई गलती मत करिए। अब सवाल उठता है कि जो आप फॉर्म भरेंगे, फिर से फॉर्म भरेंगे, जिसकी तारीख है 24 से 30, लेकिन 30 शाम 6 बजे तक, उसका ड्रॉ कब निकलेगा? तो टेंटेटिव डेट है, टेंटेटिव डेट होती है मतलब कि फाइनल डेट नहीं है, हम कोशिश करेंगे इस डेट पर हम रिजल्ट निकाल दें। तो टेंटेटिव डेट है और टाइम है ऑनलाइन ड्रॉ का 2 दिसंबर 2020 दोपहर 3:30 बजे, इस समय पर ऑनलाइन कंप्यूटराइज ड्रॉ निकाला जाएगा और ये प्रक्रिया DOE के द्वारा की जाती है। तो 2 तारीख को तो रिजल्ट नहीं आएगा, हो सकता है 2 तारीख रात को आ जाए या 3 तारीख को आ जाए, उसकी मैं जानकारी आपको दे दूंगी। फिलहाल के लिए आपको जानना जरूरी है कि 24 से 30 के बीच में आप अपने बच्चों का फिर से EWS DG कैटेगरी के तहत दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में दाखिला दिलवाने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्होंने बोला, जैसा कि हमने पहले आपको बताया था, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है, और आपकी कोई कंप्लेंट है, कोई आपका परेशानी है, तो आप हमें हमारे जो हेल्पलाइन नंबर है उन पे आप फोन करके हमसे बात कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर पे मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, मैं हर बार आपको हेल्पलाइन नंबर बताती हूँ, फिर भी जो नए लोग जुड़ रहे हैं मैं उनके लिए बता देती हूँ फिर से, 8800355192 एक हेल्पलाइन नंबर है, फिर से बताती हूँ, 8800355192 दूसरा हेल्पलाइन नंबर है, 9818154069 फिर से बताती हूँ, 9818154069। और ऐसा नहीं है कि आप कभी भी इस हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर सकते हैं, मंडे से फ्राइडे, यानी कि मंडे, ट्यूजडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र
और सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में। और आप उनके लिंक पर भी अपनी क्वेरी भेज सकते हैं, वह लिंक भी उन्होंने वेबसाइट दिया हुआ है। और बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी जानकारी कि आज से आप भर सकते हैं अपने बच्चों के ऑनलाइन फॉर्म EWSDG कैटेगरी में दाखिले के लिए, जो कि है 24 तारीख, और फॉर्म भरने की आखिरी तारीख होगी 30 नवंबर यानी 30 तारीख शाम 6 बजे तक। मैं फिर से बोलना चाहूँगी, मेरी अपील है आप सभी से कि यदि आपकी जानकारी में वह बच्चे आते हैं जो EWSDG कैटेगरी के तहत आते हैं और दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में दाखिले के लिए एलिजिबल है, तो आप प्लीज़ उन्हें इसकी जानकारी दीजिए। और यदि आपके खुद के बच्चे EWSDG कैटेगरी के तहत है, तो आप 24 से 30 के बीच में फॉर्म जरूर भर लीजिएगा। और मैं आपसे यह आग्रह करूंगी कि आप 25, 26, 27 के बीच में फॉर्म भर लीजिए, ना पहले दिन ना आखिरी के 2 दिनों में फॉर्म को छोड़िए, फॉर्म भर लीजिए, आराम से फॉर्म भरिए, जल्दी मत करिए फॉर्म को, बहुत आराम से एक एक डिटेल को आराम से भरिए, स्पेलिंग्स भरने में जल्दीबाजी मत करिए, डिटेल्स डालने में जल्दीबाजी मत करिए, क्योंकि एक बार फिर आप फॉर्म भरेंगे फिर गलत हो जाएगा, फिर आप मुझे बोलेंगे कि मैम फॉर्म डिलीट करना है, आप उसकी जानकारी दीजिए। मैं नहीं चाहती कि आपको लंबा रास्ता लेना पड़े, सामने सीधा रास्ता है, सीधे रास्ते से जाइए, थोड़ा समय लीजिए लेकिन फॉर्म को सही भरिए। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए मैं आज लेकर आई हूँ सबकी शिक्षा के माध्यम से। तो जिन लोगों ने अभी तक सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं कराया, वो जल्दी सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि शिक्षा संबंधित सही जानकारी और दाखिला संबंधित नई जानकारी मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ हमेशा से आपके लिए लाती रही हूँ। अब मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।